कलकत्ता बे नजर से मेरे चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं जहाँ आया हूँ और जिस मज़ार को कवर करने आया हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ कहाँ है। पहले मैं बोलना कम करूँगा क्योंकि अजान चल रही है, थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको, उसके बाद में बोलूँगा जो बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अजान खत्म होते ही मैं अपना बोलचाल शुरू करूंगा, तब तक बाबा का मज़ार की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, ये कौन से बाबा है और कहाँ पे स्थित है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। जी हाँ, तो बहनों भाई जो मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा था कि अजान ख़त्म होते ही मैं अपना लेक्चर शुरू कर दूँगा। लेक्चर ये है कि आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो कलकत्ता का मशहूर एरिया है कालीगंज नाम का है। इसके मेरे कुछ पहले वीडियोस में भी मैंने कालीगंज के बहुत सारे जगह को कवर किया था, आज मैं कवर करने आया हूँ, मुझे खबर मिली है। तो यहाँ वात्सरिक उत्सव चल रहा है और हमारे लट्टू साहब बाबा जी के, वहीं थोड़ी दूर जाके मैं आपको दर्शन कराऊँगा अपने वीडियो में। मैं वहीं खड़ा हूँ और यहाँ का माहौल थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखा, एक बार और दिखाना मैं चाहूँगा कि बाबा को जो चादर वगैरह चढ़ाए जाएंगे, जो अतर वगैरह पेश किए जाएंगे, उन सबका स्टॉल पहले देखिए, उसके बाद थोड़ी देर में मैं कट करूँगा बाबा के मज़ार के पास, उनका दर्शन कराऊँगा आप लोग को। तो चलिए चलते हैं लट्टू शाह बाबा के प्रांगण में मस्जिद की तरफ। ये यहाँ का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर मज़ार है इनका। सुनने में आया है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगने आते हैं बाबा उनकी मन्नत को पूरी कर देते हैं। मैं थोड़ा यहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए श्रद्धालु लोग जा रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं और बाबा जरूर से जरूर उनकी मन्नत पूरी करेंगे। और ये है आज के इनका वार्षिक का जो अनुष्ठान है, ईयरली उर्स जिसको कहते हैं, आज ये शायद फाइनल डे है। और मुझको ऐसे खबर मिला, मैं आया हूँ कवर करने के लिए यहाँ पर, वहाँ पर कुछ स्टेज बना हुआ है, वो एक स्टेज प्रोग्राम होगा वहाँ पर, कवाली वगैरह होगी यहाँ पर। तो अभी मैं ये शामियाना आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सजावट है और रास्ता की कुछ दूरी तक यहाँ सब ने मिलजुल कर सजाया है, रास्ता को देखने लायक है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आइए मेरे साथ रहिए और बाबा को एक बार फिर सलाम देते हुए थोड़ा बाबा का मज़ार से बाहर करता है। ये है बाहर मेले का माहौल जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। कालीगंज चार माथा मोड़ जो है, जिसको अनवरसा रोड मोड़ भी कहते हैं बहुत लोग, एग्जैक्टली वो अनवरसा रोड मोड़ के ऑपोजिट में ही बीचे बीच चार लाइन के बाजू में बाबा का मज़ार है, लट्टू साहब बाबा जिनका नाम है। अब थोड़ा मैं इस एंगल की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से भी एक एंट्रेंस है बाबा के मज़ार जाने का और बहुत सारे लोग बाबा के मज़ार में जा रहे हैं और अपनी मुराद रख रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने की चेष्टा करूँगा, थोड़ा करीब से, जूता उतर खुलने का बात है इसलिए मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे श्रद्धालुजन सब जा रहे हैं बाबा से और यहाँ पे कैसे देखिए चादर वगैरह चढ़ाई जा रही। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेरे वीडियो के शुरू में कि बाबा के यहाँ पे ये देखिए वो चादर वगैरह का दुकान आपको दिखा, ये देखिए चादर वगैरह चढ़ाया जा रहा है, श्रद्धालु अपनी मनोकामना अपनी इच्छा पूरी रख रहे हैं वहाँ पर। और बाबा ऐसा सुनने में आया है कि ज़रूर से ज़रूर उनकी मनोकामना, इनकी इच्छा पूरी करें। तो ये है इसका
मेन एंट्रेंस, थोड़ी देर पहले मैं जहाँ से दिखाया था वो एक साइड एंट्रेंस था, ये है बाबा का मेन एंट्रेंस। अब धीरे से फिर कैमरा को बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं मेले का माहौल। ये थोड़ी देर पहले भी मैं दिखा सकूँ अपना वीडियो के शुरुआत में मेले का माहौल, और यहाँ से फिर थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए वो करीब 200 मीटर दूर तक इन लोगों ने कवर किया है, मेले का एक माहौल है और बहुत सारे बत्तियाँ हैं, वो देखिए रंगारंग। और थोड़ी देर में तो बात तो क्या बोलते हैं रंगारंग कार्यक्रम कवाली होने वाली। मज़े की बात यह है कि बाबा का मज़ार जैसे ख़त्म होता है, ये देखिए एक हिंदू मंदिर दत्तात्रेय बाबा जी है, देखिए देख रहे दत्तात्रेय बाबा जी को, देखिए बड़ा सुंदर और अद्भुत संगम है। बाबा का मज़ार ये ख़त्म हुआ, ये मंदिर से ये है मेले का माहौल। सब परिवार आए हुए हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। वहाँ पे बाबा के वहाँ पे मैंने दिखाया आपको मज़ार में चादरपोशी वगैरह हो रही है, सब अपने मनोकामना अपनी इच्छा रख रहे हैं वहाँ पे। और मेले का सा जो माहौल है इसमें पूरे परिवार लेके लोग आए हुए हैं, बच्चों के लिए माँ बहनों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है इस मेले का माहौल में। यहाँ पे कुछ हॉट सूप खिचड़ा टाइप का पेश किया जा रहा है, और यहाँ पे ये देखिए सब सामान है। ये जो भी आप देख रहे हैं ट्राम लाइन को, आज के लिए ट्राम को बंद रखा गया है। ये देखिए ट्राम लाइन जो कि बाबा का ये उर्स चल रहा है, वार्षिक मेला, वार्षिक मेला। और ये देखिए बच्चा लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये है। तो इस ट्राम को आज बंद रखा गया है, कल से फिर नॉर्मल ट्राम सर्विस चालू हो जाएगी। आज के लिए पूरा फुल स्ट्रेस अबाउट 200 मीटर्स को ब्लॉक रखा है इन लोगों ने। और ये जो आप देख रहे हैं मेले का सा माहौल है, ये देखिए सुनने में आया कि रात भर रहेंगे यहाँ पे, कवाली भी चलती रहेगी वहाँ पे। हाँ ये देखिए खरीदारी करके कुछ लोग लौट रहे हैं, और यहाँ देखिए घरेलू जरूरत के सब सामान मेरे हिसाब से सबके पास है, कुछ ना कुछ घरेलू सामान सब लोग रख रहे हैं जो हमारे आपके घर के काम आ सकते हैं। थोड़ा अच्छा लग दिखाते हुए फिर पैक करूँ, मौका मिला तो फिर एक बार जाऊँगा बाबा के मज़ार तक अगर संभव हुआ तो, अदरवाइज़ अपने वीडियो को मैं थोड़ा आगे चल के ख़त्म करूँगा। ये देखिए ये है वो सजावट, सामने के किनारे को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये बाबा का मज़ार से अबाउट 200 मीटर्स की दूरी में ये पूरा लाइट वगैरह करके रखा है इन लोगों ने, और यहाँ देख ही सकते हैं मेला अभी तक बहुत आगे तक गया हुआ है। और ये पॉइंट तक आते ही हाँ चलिए मेला यहीं शायद ख़त्म हो रहा था, और मैं भी अपने वीडियो को यहाँ पहुँच के इस स्टॉप में स्पॉट में आके ख़त्म करता अपने वीडियो को। और ये कहते हुए कि बाबा लट्टू शाह का ऊपर जो मैंने आज एपिसोड कवर किया है, आशा है हमेशा की तरफ सबको पसंद आया होगा। हाँ फीडबैक देना मुझे ना भूले प्लीज़, बताइए कैसा हुआ ये एपिसोड, कैसा लगा आप सबको टालीगंज के इस मशहूर बाबा, सुनने में आया कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं बाबा लट्टू शाह बाबा, जिनके मज़ार को अभी मैंने कवर किया। और हाँ मेरे इस यूट्यूब चैनल कलकत्ता में नज़र से इसको सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मैं तैयार करूं सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। तब तक के लिए यही कहते हुए मैं अपना छोटा सा ये एपिसोड यही समाप्त करता हूं, और ये नहीं कहूंगा कि मैं अभी निकल रहा हूं किसी और लोकेशन की तलाश में, बट मेला जो कि यहीं पे ख़त्म है, बाबा का मज़ार भी मैंने कवर किया, आशा आप सबको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ मेरे चैनल को कलकत्ता मेरी नज़रों से। तब तक के लिए महेंद्र सिंह आप सबसे लेता है आगे। लाइट की कमी के कारण पता नहीं कैसा आया होगा ये वीडियो।